अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस, यहाँ पे तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, देन के इज, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो एरिया जो होता है, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या है, अगर तीन वर्टिसेस दे रखी हैं तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में एरिया क्या होता है, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये होता है। अब हमें यहां पे एरिया दे रखा है 35 और तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, यानी हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इसमें ये जो वैल्यू आती है ये मॉड में आती है, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को और इसमें अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो वो आएगा मॉड के साथ, अगर मान लो एक्स आया वेरिएबल तो वो मॉड एक्स आएगा, ठीक है, तो वही चीज का हमें यहां पर देखना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो डिटरमिनेंट क्या दे रखा है हमें, 35, डेल्टा की वैल्यू हमने 35 रख ली, इज इक्वल टू 1/2, और यहां पे एक्स वन वाई वन यानी 2-6, 2-6, 5-4, K-4, 1-1-1, ये दे रखा है। अब यहां पे हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2-6, 1, 5, 4, K-4, 1, 1 इज इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो यहां पे ये 2, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे तो ये 4 बन जा 4, -4 बन जा 4, फिर -6, चूंकि माइनस पहले से तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे तो 5-K, फिर इस 1 को, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे तो ये 4 5 जा 20, और ये माइनस का 4K इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब यहां पे ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 -6K, प्लस यहां पे बचेगा 20-4K इज इक्वल टू 70। अब ये हो जाएगा 30 + 20 यानी 50, और ये -10K इज इक्वल टू 70। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -10K ये आ जाएगा 50, तो 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा। अच्छा एक चीज हम यहां पे भूल गए, हमने कहा था मॉड जरूर लगाएंगे, ये मॉड, ठीक है, तो ये यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी रहेगा। अब मॉड जब हटता है ना तो वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, यानी अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एक्स की वैल्यू 5 होगी और फिर -5 होगी। तो सेम चीज फॉर 50-10K, तो ये k है हमारा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये होगा 50-10K ये होगा 70 के इक्वल, ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -10K इज इक्वल टू 70-50 यानी 20, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। एक तो k की वैल्यू -2 मिल गई, दूसरा अगर 50-10K लेस देन 0 हुआ तो ये जो है माइनस का हो जाएगा, यानी 50-10K इज इक्वल टू -70। अब ये 50 उधर जाएगा तो ये -10K इज इक्वल टू, ये -70 -50 ये हो जाएगा 120। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हट जाएगा इससे तो k की वैल्यू आ जाएगी 12। तो k की दो वैल्यू आई हैं, एक आई है -2 और एक आई है 12, तो इसमें हम चेक कर लेंगे -2 और 12 कहां पे है, तो ये d वाला, तो यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।